अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इनटू बीएस अंडरग्रेड डिग्रीज एट पीएमएस एरिड विद जुनेद अख्तर साहब। जुनेद अख्तर साहब इज करंटली डूइंग डीवीएम फ्रॉम पीएमएस एरिड यूनिवर्सिटी। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, पीएमएस एरिड की फीसिस क्या है, कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसी अवेलेबल है, और आया कोई टेस्टिंग कनेक्ट करवाते हैं बिफोर गिविंग यू एंट्रेंस टू द एडमिशन, बिफोर गिविंग यू एडमिशन। तो ये सारी चीजें जो है जुनेद अख्तर साहब के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो जुनेद अख्तर साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू स्टूडेंट्स की जो है एक्विंटेंस के लिए बता दीजिएगा कि आप डीवीएम फ्रॉम पीएमएस हेरिड से पहले क्या क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या आपकी। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बात ये है कि डीवीएम से पहले मैं फैसलाबाद से सुपीरियर कॉलेज से मैंने एफएससी प्री मेडिकल की है और हसान बिन साबत हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे मुझे बता दीजिएगा आपके जो है एफएससी और मैट्रिक में क्या मार्क्स आए थे, ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो सके कि मेरिट जो है कैसे बनता है और आया मेरा मेरिट बन सकता है कि नहीं। एफएससी में मेरे थे 960 मार्क्स और मैट्रिक में मेरे थे 980 मार्क्स। इधर जो एडमिशन होते हैं ज्यादातर वो होते हैं एफएससी बेस पे, आपके सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना होता है एफएससी रिजल्ट बेस पे, तो जो लिस्ट मेरिट लगनी होती है उसमें उस हिसाब से मेरिट बन जाता होता है। इसके अलावा सिर्फ एक जो है बीएस एग्री इंजीनियरिंग उसमें होता है इनका टेस्ट, तो वो जिस बच्चे ने एग्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना तो उसे टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, सही है, सही है, गुड टू नो। अच्छा अच्छा वैसे तो मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करने जा रहा था आने वाले पॉइंट्स में, लेकिन आपने आपने बता दिया कि जो है एफएससी ही बेसिस बनती है जो है इसके मेरिट की, मैट्रिक की कोई परसेंटेज इसमें कंसिडर नहीं करती है। बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा मुझे बताइएगा डीवीएम के लिए आपने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया। सर एक तो बात यह है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ना डीवीएम की, वो सबसे ज्यादा अच्छी इधर है एरिड में। उसके अलावा कैंपस लाइफ में अगर हम बात करें तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, एडमिशन लेते हैं, खा वो कोटा बेस पे आए ओपन मेरिट पे आए, तो एक वर्सेटिलिटी होती है उसमें कल्चर्स की भी, और उसके अलावा डिफरेंट लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों का अंदाजा होता है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो इनहांस होता है। ठीक है, सही है, ठीक है। और अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा ये पीएमएस हेरिड वफाक के अंडर आती है या सूबों के अंडर आती है, मतलब इसका अल्टीमेटली वाइस चांसलर वगैरह क्यों होता है, क्योंकि उससे ऑब्वियसली आपके स्कॉलरशिप पे भी इफेक्ट आता है, वो उसी हिसाब से एचईसी का कंट्रोल भी डिफरेंट हो जाता है, तो इस बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। सर ये जो है वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, सही है, सही। और अच्छा मुझे बताइएगा इसमें एग्जाम्पल लेते हैं जो है, आप तो पंजाब से था जैसे फैसलाबाद से थे, ठीक है, अब कोई बंदा केपीके से है और बलोचिस्तान से आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, या उनके लिए जस्ट एक खास सीट्स रिजर्व है वो उन्हीं के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या उसके बाद। सर उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट में ना इनका डिफरेंट सीन होता है, कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें सिर्फ ये होता है कि इनका स्पेसिफिक कोटा होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ओवरऑल ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट। ठीक 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 ठीक, सही सही। अच्छा कुछ में कोटाज है और कुछ में जो है वो मेरिट, तो ये चीजें कहीं मेंशन, कोई कोई स्टूडेंट अगर मतलब एग्जांपल ले अ स्टूडेंट फ्रॉम केपी के और बलोचिस्तान और सिंध वांट्स टू नो अबाउट इट, तो वो कहाँ से इसको पता चल सकता है कि आया इसमें कोटा है या उसकी बेसिस पे, इस बारे में अगर उसने जानना हो। यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन साइट है ना उस पे जब हम होम पे जाते हैं तो उधर एडमिशन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उधर जब हम एडमिशन के लिए करते हैं ना क्लिक, तो उधर डिफरेंट डिटेल्स आ रही होती हैं, उन्हीं में होता है हर डिपार्टमेंट का लिखा होता है। उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी का जो हेल्प डेस्क का पेज है उस पर भी ये डिटेल्स जो है वो एडमिशन के सिलसिले में आती रहती हैं, तो उधर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा इधर से ही जो है जैसे आपने बताया कि एडमिशन में जाना है, मुझे बताते हैं कि एक स्टूडेंट है फ्रॉम जो है वो अप्लाई करना चाहता है पीएमएस एरिड में, वो इंटरेस्टेड है, तो क्या है, एक तो पहले सबसे पहले बता दें आया अभी इसके एडमिशन खुले हुए हैं या बंद हो चुके हैं, इसके अलावा क्या सिस्टम सारा ऑनलाइन हो चुका है या अभी फॉर्म्स हार्ड फॉर्मेट में सबमिट करवाने होते हैं, ओवरऑल प्रोसेस जो मेरिट बनने से पहले या टेस्ट से पहले जो भी केस में होता है
इससे पहले का जरा प्रोसेस बता दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स के कौन सी साइट है, कहाँ जाना है, तो इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता। सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम पे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी लिखना है, तो जैसे ही वो आएगा आपने होम पेज पे चले जाना है, उधर से आपने जाना है एडमिशंस में। एडमिशंस में जब हम जाएंगे मेन्यू पे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन होगा, उधर से हमने सारा अप्लाई ऑनलाइन करना है। 6 अक्टूबर जो है वो अभी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आएगा एफएससी का, तो वो जाहिर सी बात अप्लाई करेंगे। तो जब वो ऑनलाइन अपनी डिटेल दे लेंगे, अकाउंट वगैरह बना लेंगे, तो अकाउंट पे लॉगिन करके उन्होंने डिग्री चूज करनी है जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कोटा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर ओपन मेरिट पे करना चाहते हैं या इवनिंग में करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से अपना जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। और अगर हमने इवनिंग और मॉर्निंग में अलग अलग अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें यही होगा कि अलग अलग फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं होगा, फी अलग अलग होगी उनकी। तो फिर जब हम वो अप्लाई कर लेंगे, बैंक ड्राफ्ट आएगा एक हमारे पास, तो बैंक ड्राफ्ट जब हम जमा करवा देंगे बैंक ऑफ पंजाब में, उसकी ये है कि स्पेसिफिक ब्रांचेस बताई गई हैं हर शहर में भी, उसके अलावा जो रावलपिंडी है उधर भी स्पेसिफिक ब्रांचेस बताई गई हैं। तो उनमें जब आप फी डिपॉजिट करवा देंगे तो एक चलान स्लिप, बाकी उसके अलावा जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं उसके साथ हम जो है वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में इन्हें कोरियर करेंगे, या बाय हैंड खुद सबमिट करवाना चाहते हैं तो खुद सबमिट करवा लें। सही 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 है। अल्टीमेटली जो ठीक है, आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको उसी तरह ही जो है वो हार्ड फॉर्मेट में सेंड करने पड़ते हैं, वो चाहे आप यूनिवर्सिटी विजिट कर लें या चाहे जो है आप बाय टीसीएस मूव करवा लें। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताइएगा, वंस आपने अप्लाई कर लिया, आपने माशाल्लाह प्रोसीजर को बड़ा जो है वेल डिफाइंड वे में एक्सप्लेन कर दिया, हो गया उसने, लेकिन उसके बाद क्या टेस्ट है या उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, उस बारे में आगाही दे दीजिएगा स्टूडेंट्स को। सर सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ बीएस एग्री इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा, तो उसके लिए हमें टेस्ट की जो फीस है ना 1000 रुपीज वो अलहदा सबमिट करवानी पड़ेगी। जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी तो उसका टेस्ट होगा, उसमें ये होगा कि 4 सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो इनके 25-25 एमसीक्यूज होंगे जो जनरल कोर्स के रिलेटेड ही होते हैं एफएससी के, तो उनमें आपको जो है वो टेस्ट कंडक्ट करना होता है। तो उसके बाद जो है बाकी फिर मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी एफएससी बेस पे। जो ये टेस्ट वाला सीन है इनमें ये होगा कि 70% एफएससी होगा, 30% टेस्ट की वेटेज होगी। ठीक है, यानी कि जो ओपन मतलब जिनका टेस्ट नहीं हो रहा वो 100% एफएससी की बेसिस पे जा रहे हैं, और जिनका टेस्ट हो रहा है वो उनका 70% जो है एफएससी और 30% टेस्ट की बेसिस पे हो रहा है। बिल्कुल सर ऐसे ही। और टेस्ट जस्ट एक ही एग्री इंजीनियरिंग का हो रहा है और इसके अलावा किसी का नहीं हो रहा है। अच्छा वैसे क्या वजह बनी कि पूरी यूनिवर्सिटी विदाउट टेस्ट है एग्री इंजीनियरिंग, क्या इनका बड़ा हाईली कम्पिटेटिव जो है वो सब्जेक्ट है, या किस वजह से जो है इन्होंने जो है उसको अलग से जो है इसका टेस्ट वगैरह, या अल्टीमेटली वही बात के एक डिपार्टमेंट की खुद की है कि हमने जो है वो टेस्ट के थ्रू कंडक्ट करवाना है। सर ये ना डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, एक तो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया नया तो उस हिसाब से उनके जो डीन है ना वो उनका अपना एक है, इसलिए उन्होंने टेस्ट रखा होगा। ठीक। अच्छा आपने मेरिट का तो पहले ही बता दिया कि जो है। अच्छा इसके बाद एग्जांपल लेते हैं, आप ना मुझे ओवरऑल बता दें कि मैं डिग्रीज वाइज तो जाएंगे तो मुझे पता पीएमएसआरएड इज अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, तो हम एक डिग्री वाइज नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे फैकल्टी वाइज बता दें कि नेचुरल साइंसेज हैं और कौन कौन सी, उनमें कौन कौन सी जो जनरल डिग्रीज हैं उनके क्या मेरिट्स हैं, इस बारे में आगाही दे दीजिए। सर सबसे पहले तो बात करते हैं वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की, इनका जो मेरिट था लास्ट ईयर वो 90.6 था, तो इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट की, तो उसका 86 समथिंग था, यानी कि 87 के राउंड अबाउट था। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उनका था 85 के रिलेटेड, और बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें फिर वेरी करता रहता है बाकी में, जिस तरह के आप कह लें कि एग्री साइंसेज में अगर हम चले जाएं तो वो राउंड अबाउट था 70 के, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का 67% के, और बाकी जो एडवांस स्टडीज डिपार्टमेंट है उसका जो है वो 67-66 के राउंड अबाउट। ठीक है, और अगर आईटी और सीएस वगैरह यानी कि ये जो नेचुरल साइंसेज है इसका कोई अगर आप जी सर इसका मेरिट सर आईटी वगैरह को इसका मेरिट जो था ना वो 75% के राउंड अबाउट था। ठीक
ठीक है, गुड गुड टू नो। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट आया, उसका जी मेरिट बन गया एफएससी की बेस पे, आया उसके बाद कोई जो है कोई जनरल किस्म का या ओवरऑल किसी किस्म का इंटरव्यू होता है या जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट आपको एडमिशन मिल जाता है, इस बारे में जो है रहनुमाई फरमा दीजिएगा। इसमें ये होता है कि इंटरव्यू तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो आपका जब लिस्ट में नेम आ जाता है, आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके सभी, ठीक है ठीक है, तो वो जब अपनी क्लियरेंस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है फी चालान इशू कर देते हैं। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड टू नो। अच्छा, जुनेद अख्तर साहब इस बारे में बताइएगा कि ऐसी कौन सी डिग्रीज हैं जिसके बारे में पीएमएस सर कहता है कि मतलब ये यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में हम हमारे लेवल पे कोई नहीं करवा सकते, यानी आइकॉनिक डिग्रीज ऑफर्ड बाय देम, कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिनकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, इस बारे में बताइए। सर एक तो इनकी HND है, DVM है और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है ठीक है, दीज आर दी मोस्ट वेल रिनाउंड डिग्रीज, ठीक है ठीक। अच्छा, जी मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है उसका मेरिट बन गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी फीस और पर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होती है और आने वाले सेमेस्टर्स में कितनी होती है, इस बारे में बताइए। सर, इसकी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। ठीक इसमें है अगर हम बात करें BS DVM की, एग्री साइंसेस वगैरह की, तो जनरल इनकी फीस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की इस ईयर की है 34,000 और 700 समथिंग, लेकिन बाद में इनकी रह जाएगी 14,000 एंड 850 रुपीज मॉर्निंग के लिए। तो ठीक है ठीक इसी तरह अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की आई थिंक तो है 56 फर्स्ट की है और बाद में 33 या 34 राउंड अबाउट। इसी तरह हर डिपार्टमेंट की जो है वो चेंज करती है, वो मैं आपको अगर कहें तो लिस्ट सेंड कर दूंगा। ठीक। अच्छा, देखने में जो है जुनेद अख्तर साहब फीस आर नॉमिनल, मतलब जो है बड़े बड़े नॉमिनल से चार्जेस है, लेकिन मुझे बताएं कि उन स्टूडेंट्स का क्या जो ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए किस तरह के स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल इसके लिए ये होता है कि आपको फर्स्ट फीस तो है ना वो भरनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी जो एडमिशन हो जाता है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, उनमें बैतुल माल की आ जाती है, HEC की आ जाती है, एहसास, और कुछ तो ऐसी होती है जो प्राइवेट फर्म्स की तरफ से भी आती हैं। ठीक है सही है ठीक है। सो आप कोई भी उसमें से अवेल कर सकते हैं। और क्या समझते हैं जी जुनेद अख्तर साहब, आप माशाल्लाह फिफ्थ सेमेस्टर में जा चुके हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत इस मामले में बेहतर होगी होगी, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाता है या मुश्किल होती है, इस बारे में अगर। ठीक सर, इसमें ये है जो डिजर्विंग है उन्हें इजीली मिल जाता है। है सही है सही है, गॉट इट गॉट इट, माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड टू नो। अच्छा मुझे बताएं कि हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, आया अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो क्या फीसेस है। हॉस्टल फैसिलिटी ये है कि आपने अप्लाई करना होता है तो आपको जो है वो मिल जाता है हॉस्टल, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि जो सीनियर्स हो जाते हैं बच्चे, उनका थोड़ा बहुत GPA बेस पे होता है, बाकी जो फ्रेश होते हैं उन्हें ये होता है कि जो उनका कह लें कि आप FSC के नंबर्स की बेस पे होता है उसी पे मिल जाता है। ठीक है, यानी यानी जो हॉस्टल मिलता है वो मेरिट की बेस पे मिलता है, मतलब कि किसी स्टूडेंट हो जी सकता है बिल्कुल ना भी सर। मिले। ठीक सर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए होते हैं, डिफरेंट है कोटाज ठीक के आए होते हैं, तो है ठीक पिंडी इस्लामाबाद के हैं ना जो, वो कम ही होते हैं, तो है ठीक ज्यादातर जो होते हैं वो आउट ऑफ सिटी से ही होते हैं। ठीक है ठीक है। और वैसे भी मैं खुद भी समझता हूँ कि जो स्टूडेंट जो इस्लामाबाद पिंडी रहते हैं उनका अवेल करना बनता भी नहीं है उनसे, बहुत ज्यादा डिजर्विंग है कोई बलोचिस्तान से या KPK से या इवन पंजाब के भी दूर दराज इलाकों से है, ही हैज द फर्स्ट राइट टू बिल्कुल गो गेट दैट। ठीक है अच्छा, लेकिन लेकिन जो दूर से आते हैं दे गेट देयर हॉस्टल, कभी मसला नहीं होता, बाहर नहीं जाना पड़ता आपको। सर, बाहर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं जाना पड़ता, अगर जाना पड़ जाए तो फिर ये होता है क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हॉस्टल की भी, ठीक है ठीक है तो इसके ये होता है कि यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल बने हुए हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा और मुझे बताइएगा कि क्या फीस है जो है पर सेमेस्टर जो है हॉस्टल की, हॉस्टल की फीस। हॉस्टल की फीस ये है कि फर्स्ट पहली मरतबा आपको भरनी पड़ेगी 20,000 रुपया, ठीक उसके है ठीक बाद 13,000 रुपया आपकी फीस है, 13,500 या 600 रुपये है, और ये रेजिडेंशियल पर चार्जेस हैं सेमेस्टर ओवरऑल। की।
जी सर, ये रेजिडेंशियल चार्जेस हैं, बाकी फूड वगैरह का जो है वो आपको खुद यानी कि उधर ठीक मेस पे ही करना पड़ता है। माशाल्लाह, स्टिल स्टिल क्वाइट नॉमिनल, मतलब 2,000-2,500 रुपए पर सेमेस्टर। आप पिंडी में बाहर कहीं भी रहोगे 5,000-6,000 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, और इसमें आपका वो ट्रैवलिंग वाला भी खत्म हो जाता है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल करीब ही होंगे मेरे ख्याल में, आप बाय वॉक ही जा सकते होंगे उनसे निकल के। ठीक बिल्कुल सर, है ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, अगर ठीक है यूनिवर्सिटी के अंदर ना मिले तो एक इनका है यूनिवर्सिटी के बाहर हॉस्टल, ठीक है ठीक है वो भी कह लें कि 5-7 मिनट की दूरी पे है। ठीक ठीक माशाल्लाह। अच्छा एनी फाइनल एडवाइस, माशाल्लाह आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो गए हैं, बहुत सारी आपने चीजें देख भी ली होंगी, और जो है आप देखते होंगे न्यू स्टूडेंट्स वो गलती करते हैं, या ओवरऑल किसी भी किस्म की एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग पीएमएस एट। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक कल्चर्स की वैरायटी मिलती है, क्योंकि रीजन टू रीजन कल्चर चेंज होता है, तो आपको हर किस्म के बंदे से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी है, टीचर्स भी सपोर्टिव हैं, उसके अलावा जो सीनियर्स वगैरह हैं हमें तो भी सपोर्टिव ही मिले हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं जूनियर्स को, यानी कि काफी अच्छा माहौल है यूनिवर्सिटी का। माशा रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एडवाइस एंड वैल्यूएबल फीडबैक जुनेद अख्तर साहब। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू पीएमएस एरेट कवर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी को फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जुनेद अख्तर साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।